हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 21 मार्च 2019 के हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं। आज धुलंडी का पर्व है और उसकी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ गांधीनगर इन कोलैबोरेशन विद नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हैज डेवलप्ड ए मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड एज कॉन्क्योर एग्जाम बी ए वरियर फॉर स्टूडेंट्स टू रिड्यूस द एग्जाम प्रेशर। इंडियन पब्लिक इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ गांधीनगर ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग गुजरात सरकार के सहयोग से छात्रों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है, जिसे परीक्षा का दबाव कम करने के लिए छात्रों के लिए कॉन्क्योर एग्जाम बी ए वरियर कहा जाता है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट्स की बात की जाए तो नियुक्तियों की द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड ट्रांसजेंडर सोशल एक्टिविस्ट गौरी सावंत एज वन ऑफ द 12 इलेक्शन एम्बेसडर फ्रॉम महाराष्ट्र। शी इज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर इलेक्शन एम्बेसडर। भारत निर्वाचन आयोग ने ट्रांसजेंडर सामाजिक कार्यकर्ता गौरी सावंत को महाराष्ट्र के 12 चुनावी राजदूतों में से एक के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट, कजाकिस्तान प्रेसिडेंट नुरसुल्तान नजारबे हैज अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन आफ्टर नियरली 30 ईयर्स इन पावर। द 78 ईयर ओल्ड लीडर हैड रूल्ड द कंट्री सिंस इट इमर्ज्ड फ्रॉम द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन इन द अर्ली 90s। द चेयरमैन ऑफ द कजाक सेनेट वुड टेक ओवर। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नुरसुल्तान नजरबावे ने करीब 30 वर्ष तक सत्ता में रहने के बाद अपने इस्तीफे की घोषणा की है। 78 वर्षीय नेता ने 1990 के दशक की शुरुआत में सोवियत संघ के पतन से उभरने के बाद से देश पर शासन किया था। कजाक सीनेट के अध्यक्ष ये पदभार संभालेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक्स न्यूज अर्थव्यवस्था समाचारों की। जीएसटी काउंसिल अप्रूव्ड ए ट्रांजेक्शन प्लान फॉर न्यू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेट्स ऑन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज अंडर विच डेवलपर्स ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स में आइदर ऑप्शन टू शिफ्ट टू द रिवाइज लोअर रेट्स विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट और स्टिक टू द प्रीवियस रेट्स। जीएसटी परिषद ने आवासीय संपत्तियों पर नई वस्तुओं और सेवाओं की कर दरों के लिए एक परिवर्तनकालीन योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत निर्माणाधीन इमारतों के विकास या तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना संशोधित कम दरों पर जाने करने का विकल्प चुन सकते हैं या पिछली दरों पर रह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अवार्ड्स पुरस्कारों की। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास प्रोफेसर करेन उहलेनबेक हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू विन द एबेल प्राइज ए मैथमेटिक्स ऑनर फर्स्ट गिवन इन 2003। द 76 ईयर ओल्ड वाज अवार्डेड फॉर द इम्पैक्ट ऑफ हर वर्क ऑन एनालिसिस ज्योमेट्री एंड मैथमेटिकल फिजिक्स। टेक्सास विश्वविद्यालय की प्रोफेसर करेन उहलेनबेक 2003 में पहली बार दिए गए गणित सम्मान एबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बन गई है। 76 वर्षीय उहलेनबेक को विश्लेषण ज्यामिति और गणितीय भौतिकी पर उनके काम के प्रभाव के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं एन इंडियन जर्नलिस्ट ऑथर एंड चीफ ऑफ द वायर रघु कांत रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस विंध्यवन कैंपबेल प्राइज ऑफ USD 1,65,000 फॉर हिज डिबेट बुक
फार्थेस्ट फील्ड एन इंडियन स्टोरी ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार पब्लिश्ड इन द ईयर 2015 इन द नॉन फिक्शन कैटेगरी। एक भारतीय पत्रकार, लेखक और द वायर के प्रमुख रघु कर्नाड को वर्ष 2015 में गैर काल्पनिक श्रेणी में प्रकाशित उनकी पहली पुस्तक फार्थेस्ट फील्ड एन इंडियन स्टोरी ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए 165,000 USD का प्रतिष्ठित विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार दिया गया है। और नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टोरिज निधन की। फॉर्मर व्हाइट हाउस इकोनॉमिस्ट एंड प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एलन क्रूजर पास्ड अवे। ही वाज 58 ईयर ओल्ड। क्रूजर सर्व्ड एज चीफ इकोनॉमिस्ट एट द डिपार्टमेंट ऑफ लेबर अंडर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन एंड चेयर ऑफ द काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर्स फ्रॉम 2011 टू 2030 अंडर फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा। व्हाइट हाउस के पूर्व अर्थशास्त्री और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एलन क्रूगर का निधन हो गया है। वे 58 वर्ष के थे। क्रूगर ने राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के अंतर्गत श्रम विभाग में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्य किया और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के अंतर्गत 2011 से 2013 तक आर्थिक सलाहकारों की परिषद की अध्यक्षता की है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल और आल्सो फॉलो मी ऑन अकेडमी इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और धुलंडी होलिका दहन धुलंडी की सभी साथियों को यूवी कंपटीशन परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।